हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका लॉगआउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, टारगेट 740 सीरीज का आज ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की आज चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि टारगेट 740 सीरीज के अंतर्गत हम रोज रात 8 बजे आपके लिए 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे, जो कि आगामी उत्तराखंड के एग्ज़ाम के लिए और 31 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं हमारे इस सीरीज़ से, ठीक है, जो है आपकी टारगेट 746 सीरीज। ठीक, तो दोस्तों, सीरीज का आज ये दूसरा पार्ट है, यानी कि आज हम 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे, जो कि आपका प्रैक्टिस सेट सेकेंड है। पहला प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं कल, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप टारगेट 746 सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का भी ग्रुप का एक लिंक दिया हुआ है, आप उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट के साथ साथ कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उपलब्ध कराए जाएंगे, जो कि 31 अक्टूबर के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं और प्रैक्टिस सेट सेकंड को हम सॉल्व करते हैं और 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उनकी चर्चा हम यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं और पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है कि भाषा की मूलभूत इकाई कौन सी है। तो भाषा जो टॉपिक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर उत्तराखंड के एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्योंकि भाषा जो टॉपिक से कई बार यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर बार एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा इस टॉपिक से, ठीक है। तो भाषा जो टॉपिक है उसको आप ज़रूर पढ़ लें ध्यानपूर्वक, और जितने भी उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको हमारे सीरीज में मिल ही जाएंगे। तो भाषा की मूलभूत इकाई के बारे में पूछा है, शब्द है, भाव है, ध्वनि चिन्ह है या वाक्य है। तो भाषा की मूलभूत इकाई जो है वो है आपकी ध्वनि चिन्ह, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, सूर्याणी होगा, सूर्याई होगा, सूर्य होगा या सूर्यो होगा। तो ऑप्शन सी सूर्य जो होगा वो सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग होगा। तीसरा क्वेश्चन है, वह पूछा है कि निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं। तो कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, इसमें ह या ण है, य या रो है, च या जो है, या क और ख है। ठीक, तो कंठ ध्वनियाँ की अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा, क और ख जो हैं वो कंठ ध्वनियाँ हैं। ठीक, तो ऐसे ही आपसे पूछ ले, जैसे आपसे पूछे कि मूर्धा वर्ण कौन कौन से हैं या मूर्धा ध्वनि कौन कौन सी है, या आपसे पूछे तालव्य वर्ण कौन कौन से हैं, या आपसे पूछे दंत्य वर्ण कौन कौन से हैं, या आपसे पूछ ले कि ओष्ठ वर्ण कौन कौन से हैं। ठीक, ये मुँह के विभिन्न भागों से बोले जाने वाले वर्ण हैं और पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चन। तो मूर्धा पूछ ले, तालव्य पूछे, दंत पूछ ले, ओष्ठ पूछ ले, कोई भी वर्ण आपसे पूछ सकता है, इसलिए आपको याद होनी चाहिए। ठीक, तो इस पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें आपको ट्रिक के माध्यम से बता चुका हूँ कि कंठ वर्ण कौन कौन से हैं, तालव्य कौन कौन से हैं, मूर्धा कौन से हैं, दंत कौन से हैं, दंतोष्ठ कौन से हैं। ठीक, तो जब हमारी हिंदी की सीरीज चल रही थी उसमें ये वीडियो बन चुकी है और उस वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप ज़रूर देख लें उस वीडियो को ध्यान से, जिसमें एक बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से मैंने बताए हुए हैं सारे वर्ण, जो आपको एकदम ईजिली याद हो जाएंगे। उसके बाद आपको सारे के सारे वर्ण एक साथ मिल जाएंगे और आप उन वर्णों को कभी भूलेंगे भी नहीं, अगर आपने ट्रिक याद कर ली तो। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, आगे चौथा क्वेश्चन लेते हैं। पूछा गया है कि निम्न में अल्प प्राण वर्ग कौन सा है, अ या आ, थ और ध, क या ग, या फ और भ। ठीक, तो अभी जो सचिवालय सुरक्षा का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछे गए थे अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष और अघोष, चारों के चारों। तो अल्प प्राण यहाँ पे पूछा गया है, तो अल्प प्राण जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके क और ग। ठीक, तो कैसे आपको याद करने हैं अल्प प्राण, महाप्राण, वर्ण जो होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार फटाफट से। तो सबसे पहले आपको वर्ण लिख लेने हैं, क, ख, ग, घ और ङ। ठीक, च, छ, ज, झ और य, ट, ठ, ड, ढ और ण, त, थ, द, ध और न, प, फ, ब, भ और म।
ठीक, इसको हम कहते हैं क वर्ग, इसको कहते हैं चौ वर्ग, इसको कहते हैं ट वर्ग, इसको हम कहते हैं त वर्ग, और इसको हम कहते हैं प वर्ग। ठीक, अब आपको कर लेना है इसके ऊपर नंबरिंग कर लेनी, सबसे ऊपर इसको कर लीजिए आप 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे हमने कर लिया। ठीक, अगर आपसे पूछे कि अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से हैं, तो पहला नंबर, तीसरा नंबर और पांचवा नंबर, यानी कि 1, 3, 5, ये सब क्या होंगे, अल्प प्राण होंगे। यानी कि 1 ये क, च, ट, त, ये क्या हैं, अल्प प्राण है। ठीक, तीसरा वाला ये जितने हैं ये भी अल्प प्राण है, पांचवे वाले जितने ये हैं ये भी क्या है, अल्प प्राण वर्ण है। ऐसे आप इनको याद कर सकते हैं। और बचा दूसरा और चौथा, ठीक, यानी कि 24 नंबर, इसको हम कहते हैं महाप्राण वर्ण। अगर आपसे पूछे महाप्राण कौन से हैं, तो ये कौन कौन से हैं, दूसरे नंबर वाले और चौथे नंबर वाले कौन से हैं, महाप्राण हो जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि सघोष और अघोष, ये भी आपसे पूछे जाते हैं कि सघोष कौन से हैं और अघोष कौन से हैं। ठीक, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि सघोष कौन से हैं और अघोष कौन कौन से हैं। ठीक, ये नंबरिंग हमने कर ली है। अगर आपसे पूछे जाए सघोष कौन से हैं, सघोष, सघोष आपसे पूछे जाए तो 345 नंबर, 345 नंबर को हम क्या कहते हैं, सघोष कहते हैं, सघोष। ठीक, यानी कि ये वाले और ये वाले और ये वाले क्या कहलाएंगे, सघोष कहलाएंगे। बाकी ये बचे पहला और दूसरा, इनको हम क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं, अघोष। ठीक, इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं। ठीक, एक बार आप इस तरह से बना लेंगे, फिर आपको बस नंबर आपको याद कर लेना, 345 और 12। 345 को हम सघोष कहेंगे, 12 नंबर को हम क्या कहेंगे, अघोष कहेंगे। वैसे ही 135 नंबर को हम अल्पप्राण कहेंगे और 24 को हम कहेंगे महाप्राण। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन जो है वो है अनुग्रह का विलोम होगा, दुराग्रह, अभिज्ञ, अग्रहीत या कोप। तो अनुग्रह का जो विलोम होगा वो होगा कोप, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो वाच्य के भेद पूछें तो वाच्य के यहाँ पे होते हैं तीन भेद। तीन भेद कौन कौन से, एक तो होता है आपका कृतवाच्य, एक होता है आपका क्रमवाच्य और एक होता है आपका भाववाच्य। तो तीन भेद होते हैं वाच्य के। अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, पीपर पात सरिस मंडोला, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, श्रेष्ठ अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार या अनुप्रास अलंकार। ठीक, तो पीपर पात सरिस मंडोला में जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, उपमा अलंकार। क्योंकि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, एक वस्तु की तुलना दूसरे से की जा रही है। जहाँ पर कभी भी आप देखेंगे जहाँ पर एक वस्तु की तुलना दूसरे से की जाएगी, तो वहाँ पर हो जाएगा आपका उपमा अलंकार। ठीक, पीपर पात सरिस मंडोला, यहाँ पर पीपल के पत्ते की तुलना मन से की जा रही है, इसलिए क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आठवां, पूछा जा रहा है कि छंद के कितने अंग होते हैं या छंद के कितने भेद होते हैं, ये भी पूछ ले। तो छंद के अंग होते हैं 7 अंग होते हैं। ठीक, तो 7 अंग कौन कौन से होते हैं, जैसे चरण हो गया, पद हो गया, संख्या, गण, यति, गति, ये क्या हैं, छंद के भेद होते हैं, इनके बिना छंद अधूरा है। तो छंद के कितने अंग होते हैं, 7 अंग होते हैं, ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नवा क्वेश्चन, शुक्ल का विलोम शब्द है, तो शुक्ल का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्ण। शुक्ल का विलोम कृष्ण हो जाएगा। दसवां क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है, यहाँ पे काबिलियत लिखा हुआ है, ठीक, चारों में काबिलियत लिखा हुआ है, सही रूप में कौन सा लिखा हुआ है, यानी कि सही कौन सा लिखा हुआ है वो आपको पहचानना है। तो डी वाला जो है काबिलियत, वो एकदम सही लिखा हुआ है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिमालय नक्षत्र वेदशाला स्थित है, ऋषिकेश में, देवप्रयाग में, रानीखेत में या हरिद्वार में। तो हिमालय नक्षत्र वेदशाला जो है वो आपकी देवप्रयाग में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस इतिहासकार की तुलना बाण भट्ट से की जाती है, तो इतिहासकार हैं हमारे प्रमुख विश्व प्रसिद्ध शिव प्रसाद डबराल, इनकी तुलना बाण भट्ट से की जाती है, ऑप्शन एकदम सही। तेरहवां क्वेश्चन है, किस नृत्य को केदार नृत्य के नाम से जाना जाता है, जागर को, मंडाण को, रणभोर को या झुमेल को। तो मंडाण एक नृत्य है जिसको केदार नृत्य भी कहा जाता है, इनकी ऑप्शन बी यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चौदहवां क्वेश्चन, भूरी अमोला कुंड कहाँ स्थित है, तो भूरी अमोला कुंड जो है वो है आपका रुद्रप्रयाग में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पंद्रहवां क्वेश्चन, चंद राजाओं में रौतेला कहा जाता था, तो चंद राजाओं में रौतेला किसे कहा जाता था, राजा का छोटा भाई या व्यापारी या सेनापति को या राजा के मामा को। तो चंद राजाओं में रौतेला कहा जाता था,
राजा के छोटे भाई को। तो ऑप्शन ए यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। ठीक, तो देखिए उत्तराखंड हिस्ट्री से आपसे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, चंद्रवंश से, पवार वंश से। तो चंद्रवंश की यहाँ पे बात हो रही है, तो चंद्रवंश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। संस्थापक आपको पता ही होगा, तो संस्थापक है आपका सोमचंद्र, चंद्रवंश का संस्थापक। अंतिम शासक की बात करें, चंद्रवंश का अंतिम शासक, तो अंतिम शासक के रूप में जो नाम आता है वो आता है महेंद्र चंद का। ठीक, तो ये दो चीज़ें तो आपको याद होनी चाहिए। फिर इसके क्वेश्चन बन जाएगा, पूछे जाएगा कि चंद्रवंश का ऐसा कौन सा शासक था जो मुग़ल दरबार गया था, या मुग़ल दरबार जाने वाला चंद्रवंश का पहला शासक कौन था। तो मुग़ल दरबार जाने वाला जो था वो था आपका रुद्रचंद। ऐसे ही पूछ ले दिल्ली दरबार जाने वाला चंद्रवंश का पहला शासक, तो दिल्ली दरबार जाने वाला जो था वो था आपका ज्ञानचंद था। ठीक, और पूछ लिया कि चंद्रवंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसने सर्वप्रथम राजधानी परिवर्तित करी थी, तो कल्याण चंद्र एक ऐसा राजा हुआ था जिसने राजधानी परिवर्तित करी थी, चंपावत से लेकर अल्मोड़ा उसने राजधानी को स्थानांतरित करा था। तो ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको हमारी सीरीज में मिल जाएंगे, तो जुड़े रहिए सीरीज के साथ। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों लाइक भी कर दीजिए, ठीक, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे उनको भी ये लाभ मिल सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16वां क्वेश्चन। तो 16वां क्वेश्चन है, मुगल लेखकों ने किसे अखड़ राजा कहा है। ठीक, पृथ्वीपति शाह को, महीपति शाह को, श्याम शाह को, या प्रदीप शाह को। तो अखड़ राजा की संज्ञा दी जाती है ऑप्शन बी, महीपति शाह को। तो पवार वंश का एक शासक था महीपति शाह, जिसको अखड़ राजा कहा जाता था। अखड़ राजा क्यों कहा गया इसे, उसकी भी चर्चा करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर शाहजहाँ का हो रहा था राज्याभिषेक, यानी कि शाहजहाँ बैठ रहा था गद्दी में। तो शाहजहाँ गद्दी में बैठ रहा था, तो उसने जब राज्याभिषेक का एक पूरा प्रोग्राम रखा, तो उसमें जितने भी आसपास के राजा हैं उनको भी बुलाया। पवार वंश का उस समय शासक था महीपति शाह, तो इसको भी बुलाया कि आप आ जाइए हमारे निमंत्रण में, यानी कि राज्याभिषेक हमारा हो रहा है तो आपको आना है। तो महीपति शाह उसके इस निमंत्रण में नहीं गया। ठीक, जिस कारण से मुग़ल लेखकों ने महीपति शाह को अखड़ राजा की संज्ञा दी है, इसको अखड़ राजा कहा। ठीक, और इसको गर्वभंजक भी कहते हैं, गर्वभंजन। ठीक, अगर पूछा जाए कि गर्वभंजन किसे कहा जाता है, तो गर्वभंजन किसे कहा जाता है, महीपति शाह को कहा जाता है। ठीक, देखिए दोस्तों एक काफ़ी कंफ्यूजन क्वेश्चन यहाँ पे आपसे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। एक तो है आपका गर्वभंजन, एक है आपका गर्वभंजक। ठीक, तो न और क का ही अंतर है बस लास्ट में। अगर आपसे पूछे कि गर्वभंजन किसे कहा जाता है, तो गर्वभंजन कहा जाता है महीपति शाह को। अगर पूछे गर्वभंजक किसे कहा जाता है, तो महीपति शाह का एक सेनापति था जिसका नाम था माधो सिंह भंडारी। इस माधो सिंह भंडारी को ही गर्वभंजक की संज्ञा दी जाती है। तो गर्वभंजन और गर्वभंजक दोनों आप ध्यान में रखिए, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है इसमें। ठीक, तो महीपति शाह यही था, और इसी महीपति शाह ने केशव राय मठ की भी स्थापना करी थी, जो कि आपका श्रीनगर में है, श्रीनगर गढ़वाल में 1625 में इसकी स्थापना करी थी इसने, महीपति शाह ने। तो ऐसी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे हमारी सीरीज में, तो दोस्तों जुड़े रहिए सीरीज के साथ। और हमारे आप जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो सीरीज के साथ साथ आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, करंट अफेयर के, रीजनिंग के और कंप्यूटर के। तो ग्रुप का लिंक भी मैंने दिया हुआ है इंस्टाग्राम ग्रुप का, उसमें भी आप जुड़ जाइए। 17वां क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, 17वां क्वेश्चन क्या है, सिकंदर व पोरस के बीच प्रसिद्ध विस्तता या झेलम का युद्ध, जिसको हाइड स्पेस का युद्ध भी कहते हैं, वो कब हुआ था। 323 ईसा पूर्व, 325 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व, या 328 ईसा पूर्व। तो ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, 326 ईसा पूर्व। सिकंदर और पोरस के बीच एक युद्ध हुआ था जिसको हम झेलम का युद्ध, हाइड स्पेस का युद्ध, या विस्तता का युद्ध भी कहते हैं। ठीक, सिकंदर की बात यहाँ पे आ गई है, तो सिकंदर के बारे में भी थोड़ा हम देख लेते हैं। सिकंदर महान जिसको कहा जाता है तो सिकंदर जो था वो मैसिडोनिया का क्या था, राजा था मैसिडोनिया। ठीक, तो इसने क्या पढ़ा, जो हमारे इतिहासकार हैं जिन्होंने हिस्ट्री के बारे में लिखा है, जो बड़े बड़े इतिहासकार हैं, उनकी एक पुस्तक पढ़ता था कौन, सिकंदर। तो भारत के बारे में भी उसमें लिखा था, और भारत के बारे में, भारत में बहुत धन है, भारत में बहुत यश है, और भारत का जो क्षेत्र है वो काफ़ी विस्तृत है, यहाँ धन वन की कोई कमी नहीं है। तो सिकंदर ने जब ये पढ़ा हिस्ट्री में, इतिहास की पुस्तकों में, तो ये भाई प्रभावित हो गया भारत से, और भारत में आ गया। ये इसका मेन उद्देश्य था यहाँ पर धन लूटना। ठीक, तो धन लूटने के लिए आया था कौन, सिकंदर भारत में। ठीक,
तो जब ये भारत में आया था, ठीक, अगर पूछा जाए कि कौन से दर्रे से आया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो खैबर एक दर्रा है, खैबर दर्रा, इस दर्रे से ही इसने भारत में प्रवेश करा था, ठीक, और 19 माह ये भारत में रहा था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ये सिकंदर जो है वो कितने दिनों तक या कितने माह तक भारत में रहा था, 19 माह तक ये क्या रहा था, भारत में रहा था, ठीक। और इसका गुरु कौन था, गुरु था इसका अरस्तु, ठीक, जो एक महान साइंटिस्ट या वैज्ञानिक आप कह सकते हैं, अरस्तु इसका क्या था, गुरु था। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य कथन आपको यहाँ पे बताना है। पहला ए दिया हुआ है, पृथ्वी के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं, ठीक। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ बी, 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रध्यान या मोन्तर या ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। तीसरा यहाँ पे दिया हुआ है, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है अभी सचिवालय सुरक्षा के एग्जाम में, ठीक। या डी दिया हुआ है, उपरोक्त सभी। तो सही जो कथन है वो आपको देखने हैं इन चारों में से कौन सा है, ठीक। तो पहला हम ध्यान से देख लेते हैं, पृथ्वी के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, बिल्कुल सही है, तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं, ये बिल्कुल सही हो गया, ठीक। तो देखिए आपने अगर पढ़ा है भूगोल तो इस तरह से होता है, जो बीच वाली रेखा होती है इसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा, ये 0 डिग्री इसको कहते हैं, ठीक। और ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर होता है, और ये क्या होता है, दक्षिण होता है, ठीक। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, यहाँ पे होती है आपकी कर्क रेखा, जो कि होती है 23.5 डिग्री, बिल्कुल सही है, ये है आपकी कर्क रेखा। और यहाँ पर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसको हम मकर रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा, ठीक। तो ये भूमध्य रेखा होती है, भूमध्य रेखा के ऊपर की रेखा को हम कहते हैं कर्क रेखा, और नीचे जो होती है उसको कहते हैं मकर रेखा, ठीक। तो पहला जो यहाँ पे दिया हुआ वो बिल्कुल सही है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। फिर है 0 डिग्री देशांतर को प्रध्यान यामोत्तर या ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है, ठीक, जो मैंने अभी बनाया था ये वाला जो बीच वाली है इसको 0 डिग्री कहते हैं, तो इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, इसको यामोत्तर भी कहते हैं, इसको ग्रीनविच भी कहते हैं, तो इतने सारे नाम हैं इसके 0 डिग्री के, ठीक, ये 0 डिग्री रेखा है, तो ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, बिल्कुल ये भी सही है, तो उपरोक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, सबके सब यहाँ पे सही है। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो भारत में पहली बार जनगणना होती 1872 में, 1872 में हुई थी भारत में सबसे पहली बार जनगणना, ठीक, ये नियमित जनगणना नहीं थी, ठीक। तो जनगणना की शुरुआत करी थी और उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो ने यहाँ पे जनगणना की शुरुआत करी थी 1872 में। आधिकारिक या नियमित, जिसके बाद से लगातार जनगणना होती है, तो वो जनगणना शुरू हुई थी आपकी 1881 से। अगर पूछा जाए कि भारत में आधिकारिक जनगणना या नियमित जनगणना कब से शुरू हुई थी, तो 1881 से। अगर पूछे पहली बार कब हुई थी, तो पहली बार हुई थी 1872 से, ठीक। तो 1881 जो नियमित जनगणना कराने का श्रेय जाता है वो जाता है लॉर्ड रिपन को, गवर्नर जनरल था उस समय, ठीक। और अभी 2011 में जो लास्ट जनगणना हुई है वो 15वीं जनगणना है, ठीक। अब जो जनगणना होने वाली थी वो 2021 में यानी कि इस साल होगी, ठीक। और 15वीं जनगणना का जो नारा था वो भी आपको याद रखना है, नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ठीक। और 21वीं जनगणना अभी, 16वीं जनगणना अभी 2021 में होने वाली है। अगला क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं, पूछा जा रहा है संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किसके आधार पर हुआ था, समान मताधिकार, सर्वमताधिकार, सीमित मताधिकार या वर्गीय मताधिकार। तो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है, मूल्य का हस्तांतरण, मूल्य का मापन, मूल्य का संचय या मूल्य का स्थिरीकरण। तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, मूल्य का स्थिरीकरण ये मुद्रा का कार्य नहीं है। 22वां देखते हैं, पूछा जा रहा है कि किस भाषा की अपनी एक लिपि है, कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी या इनमें से कोई नहीं, ठीक।
तो देखिए कुमाऊनी और गढ़वाली की ये देवनागरी लिपि है और जौनसारी की एक अपनी लिपि है जिस लिपि का उद्गम कश्मीर से माना जाता है। तो जौनसारी यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा, सी जो ऑप्शन है इसकी एक लिपि है। 23वां क्वेश्चन, लक्ष्मण गंगा और पुष्पावती नदी किस स्थान पर मिलते हैं? ठीक, तो नदियों से भी एक क्वेश्चन जरूर बनता है, नदी पर्वत पहाड़ यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लक्ष्मण गंगा और पुष्पावती नदी किस स्थान पर मिलते हैं, गोविंद घाट, खगड़िया, केशव प्रयाग या हेमकुंड में। ठीक, तो बात करें लक्ष्मण गंगा और पुष्पावती नदी की, ये मिलते हैं आपके घगरिया में। ठीक, ये अलकनंदा नदी की बात हो रही है। तो अलकनंदा नदी जो निकलती है वो निकलेगी कहाँ से, संतोपत ग्लेशियर से निकलती है, उसके बाद आगे बढ़ती है और सबसे पहले इसमें सरस्वती नदी मिलती है केशव प्रयाग में। ठीक, उसके बाद बद्रीनाथ एक स्थान है जहाँ पर अलकनंदा से ऋषि गंगा मिलती है, उसके बाद ये आगे बढ़ती हुई जाती है और इसके बाद गोविंद घाट नामक स्थान पर यहाँ पे मिलती है लक्ष्मण गंगा इससे। ठीक, लक्ष्मण गंगा और यहाँ पर बीच में ही एक जगह है घगरिया, घगरिया एक जगह है जहाँ पर पुष्पावती नदी और लक्ष्मण गंगा एक दूसरे से मिलती है और यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। उसके बाद अलकनंदा आगे मिलती है और उसके बाद आपके पास चार धाम आ जाएंगे, विष्णु प्रयाग आएगा सबसे बाद जहाँ पे पश्चिमी धौली गंगा मिलेगी, उसके बाद नंद प्रयाग आ जाएगा जहाँ पे नंदागिरी नदी मिलेगी, उसके बाद कर्ण प्रयाग आ जाएगा जहाँ पर पिंडर नदी मिलेगी। ठीक, उसके बाद रुद्र प्रयाग आ जाएगा जहाँ पर मंदाकिनी अलकनंदा से मिलेगी, उसके बाद देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम हो जाए और वहीं से गंगा का भी निर्माण होता है। ठीक, तो इसकी चर्चा भी हम कभी कर लेंगे और पूरा मैं आपको बता दूंगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन 24वां क्वेश्चन है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप घट जाएगा, बढ़ जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा या अपरिवर्तित रहेगा। ठीक, अगर आप फ्रिज का दरवाज़ा खोल देते हैं तो ये पूछ रहा है कि जो आप कमरे का ताप होगा वो घटेगा, बढ़ेगा या 0 डिग्री हो जाएगा या वैसे ही रहेगा जैसा था पहले। ठीक, तो कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया तो कमरे का ताप जो होगा वो बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं, पूछा जा रहा है 0 और 1 को यहाँ पे आपको भरना है, खालिस्तान दिया हुआ है या बिट कहते हैं। ठीक, 0 और 1 को बिट तो कहते ही हैं, उसके अलावा और क्या कहा जाता है, दशमिक अंक, बाइनरी अंक या गिनती के अंक या इनमें से कोई नहीं। तो 0 और 1 को यहाँ पे दार्शनिक अंक और बिट दोनों ही कहा जाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं, 26वां क्वेश्चन है, खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, पेरिस में, जिनेवा में, रोम में या न्यूयॉर्क में। तो ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, रोम में है खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अमृतितार आभूषण पहना जाता है। ठीक, तो आभूषण जरूर पढ़ लें उत्तराखंड के कि कौन सा कहाँ पर पहना जाता है। ठीक, तो अमृतितार यहाँ पूछा गया है, तो अमृतितार जो आभूषण है वो आपका पहना जाएगा पैर में। ठीक, ऑप्शन बी जो होगा वो एकदम राइट हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन देखते हैं, देशों तथा मुद्राओं के नामों को सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे देश दिए हैं और उनकी मुद्राएं दी हैं, तो सही आपको सम्मिलित करना है यहाँ पर। तो बांग्लादेश, क्रोन, डेनमार्क, युआन, चीन, येन, जापान, टक। ठीक, तो बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है, तो बांग्लादेश की मुद्रा है आपकी टका, तो ए का चौथा वाला सही हो जाएगा। ठीक, और डेनमार्क की जो मुद्रा है वो है आपकी येन, तीसरा इसका सही हो जाएगा। ठीक, सॉरी, डेनमार्क की जो मुद्रा होगी वो होगी क्रोन, पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद चीन की जो मुद्रा होगी वो युआन होगी और जापान की है आपकी येन। ठीक, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 4, 1, 2, 3। ठीक, तो ऑप्शन डी जो हो वो एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 29 यहाँ पे दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है, 36 के बाद 324 अगर आ रहा है तो 49 के बाद आप यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। ठीक, तो इसमें थोड़ा सा अगर दिमाग आप लगाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे 324 को अगर आप भाग देंगे 36 से, ठीक, तो यहाँ पे जो भागफल आएगा वो 9 आएगा, 36 नंबर होता है 324। ठीक, वैसे आप इनके भाग देख लीजिए 49 का, जिसमें 9 यहाँ पे भागफल आएगा वो एकदम सही हो जाएगा, तो 441 यहाँ पे सही हो जाएगा। 441 से भाग देंगे तो ये 9 बार ही जाएगा, यानी कि 441 आ जाएगा, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो होगा एकदम सही हो जाएगा, 49।
30 क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज़ का उसकी बात कर लेते हैं। तो 30वां क्वेश्चन जो है वो है आपका, एकमात्र महिला जिन्होंने हाल ही में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। ठीक, तो अभी हाल ही में एक महिला हैं जिन्होंने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप यानी कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में क्या जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। तो वो महिला कौन है इनमें से, अंशु मलिक, दीपा फोगाट, बबीता या विनेश फोगाट? तो वो है आपकी अंशु मलिक, ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। ठीक, तो पिछले 2-3 महीने पहले के करंट अफेयर जरूर पढ़ लें क्योंकि वहाँ से भी एक आध क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक, अंशु मलिक हैं जिन्होंने अभी हाल ही में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। अगर पूछा जाए कहाँ की हैं तो ये हैं आपकी हरियाणा की। ठीक, और ये जो चैंपियनशिप है वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप या विश्व कुश्ती चैंपियनशिप ये नॉर्वे में चल रही है, नॉर्वे के एक शहर है ओस्ले, वहाँ पर ये क्या है चैंपियनशिप चल रही है। और जो अंशु मलिक है उन्होंने 57 किलोग्राम भार में ये सिल्वर मेडल जीता है। ठीक, तो आज के 30 क्वेश्चन पर हमने चर्चा कर ली है। ठीक, तो दोस्तों सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, सीरीज आपके काम आ रही है, आपको लगता है कि आपको फ़ायदा होने वाला है तो दोस्तों सीरीज से जुड़ते रहिए। रोज़ रात 8 बजे मोस्ट 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पर, जो कि आगामी उत्तराखंड के एग्ज़ाम के लिए और मोस्टली 31 को जो आपका एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो के लिए दोस्तों जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में दबा लीजिए बेल आइकन को जिससे कि आने वाली जो वीडियो है उसका पता आपको सबसे पहले चल सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।